जब भी कोई बंदा एक नया फ़ोन ख़रीदता है तो अपने पुराने फ़ोन के साथ क्या करता है? वो या तो किसी को दे देगा या तो बेच देगा। लेकिन देने या बेचने से पहले वो बंदा अपने फ़ोन को क्या करता है? फैक्ट्री रीसेट, यानी कि अपना फ़ोन का सारा डाटा डिलीट कर देता है। और उसके बाद वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि अब उसके फ़ोन में कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आपका फ़ोन अगर रीसेट कर लिया तो उसके बावजूद भी आपके फ़ोन में आपका सारा का सारा डाटा सेव रहता है। कोई भी बंदा उसको बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकता है, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट, वीडियोस, फ़ोटोज़, आपके ईमेल आईडीज, बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है और सारी चीज़ें देख सकता है, निकाल सकता है। सो इन सभी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन को किस तरह से रीसेट करना होगा और कौन सी सेटिंग ऐसी होती हैं जो आपको अपने फ़ोन पर लगाने होंगे, जिसके बाद कि आपका फ़ोन से कोई भी बंदा आपका कुछ भी डाटा नहीं निकाल पाएगा। सो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है हमारे गोस्वामी टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि आप अपने फ़ोन को जब भी सेल करते हैं तो उसको आप किस तरह से एकदम क्लीन करें, जिससे कि मतलब आपका कोई भी डाटा या कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी आपकी पर्सनल चीज़ें आपने जिस बंदे को अपना फ़ोन सेल किया है उसके पास ना पहुँचे। सो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के जितने भी आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं, एप्लीकेशन, इन सभी को एक एक करके इंस्टॉल कर दीजिए। और उसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से कोई भी एक क्लीनर एप्लीकेशन यूज़ कर लीजिए, यानी कि जो आप जंक फाइल को क्लीन करते हैं, यानी सिक्योरिटी के लिए ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं। अगर आपका फ़ोन हैक होता है या होता है तो आप उससे अपने फ़ोन के जंक को क्लीन कर लेते हैं। तो आप एक ये वाली सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लें और इससे एक बार अपने फ़ोन का पूरा जंक क्लीन कर लें। और उसके बाद आप अपने फ़ोन को एक बार रीसेट करें। रीसेट करने के बाद फिर से आप अपने फ़ोन को ओपन करें और ओपन करने के बाद अपने फ़ोन में क्या करें कि कुछ मतलब यानी कि जंक फाइल और डालें, जैसे कि वीडियोस डाल दिए, गाने डाल दिए, कुछ फिल्म डाल दी। लेकिन याद रहे, ये गाने, वीडियो, फ़ोटो जो भी आप डालोगे अपने नहीं डालें, किसी और की, यानी कि आप गूगल से उठा के। तो आप जैसे इनको डालेंगे और उसके बाद फिर से आपको अपने फ़ोन को करना है रीसेट। तो ये सेकंड टाइम रीसेट हो गया। रीसेट करने के बाद आप थर्ड टाइम फिर अपना फ़ोन ओपन करेंगे, फिर अपने फ़ोन में कुछ इधर उधर से वीडियो उठा के डाल देंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर बारी आपको अपना कंटेंट नहीं डालना है, ना ही अपनी फ़ोटो डालनी है, ना अपनी वीडियोस, यानी कि आप कहीं से भी डाउनलोड करके डाल सकते हैं। सो ऐसे ही आपको दो तीन बारी फ़ोन को रीसेट करना है, फिर उसमें कुछ चीज़ें डालनी है, फिर रीसेट करना है, फिर कुछ चीज़ें डालनी है। सो अगर ये प्रोसेस आप दो से तीन बार करते हैं तो इसके बाद अगर आपका कोई भी आपके फ़ोन को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो 80-90% वो आपके फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा कभी भी अगर आपके फ़ोन से कोई वीडियो डिलीट हो जाती है या कोई फ़ोटो डिलीट हो जाती है तो आप गूगल प्ले स्टोर से रिकवरी एप्लीकेशन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, उनको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी फ़ोटो मिलेंगी जो आप बोलोगे अरे तो मैंने 10 साल पहले खींची थी। आपको खुद पता नहीं होगा कि ये फ़ोटो आपके फ़ोन में आज तक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं सारे के सारे जंक फाइल को निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप बार बार कोई फ़ोन को रीसेट करते हैं, फिर उसमें अलग वीडियोज़ डालते हैं, तो वहाँ पे जब आप ये सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं और जब भी आपकी जंक फाइल को निकालता है तो ये कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये होता क्या है कि जब भी आप अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं तो आपका जितना डाटा होता है ये अलग एक साइट पर सेव हो जाता है। लेकिन जब आप बार बार अपने फ़ोन को रीसेट कर रहे हैं बार बार, तो उतनी बार का अलग अलग वीडियोज़, गाने जो अलग करके सारे अलग अलग बॉक्सेस में सेव हो जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जब आप अपने फ़ोन को रिकवर करोगे तो आपका फ़ोन का सिस्टम जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं इसको क्या दिखाऊं, क्योंकि जो आपके लास्ट टाइम के जो आपने फिल्म विलम गाने वाने डाल रखे वो उनको पहले आपको शो करेगा और जो आपके पर्सनल डाटा है वो थोड़े पीछे पीछे रहे तो बहुत लेट में आपको शो करेगा। ऐसा नहीं है कि बंदा आपका पर्सनल डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसको टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो 2-3-4 घंटा आपके उन वीडियोज़ को देखने में वहाँ पर डाउनलोड करेगा, चेक करेगा, बहुत कुछ टाइम उसका बेस हो जाएगा, तब तक तो वो खुद ही वहाँ से हार मान जाएगा कि शायद इसका डाटा इसमें अब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक बार रीसेट करके देते हैं तो जैसे ही फ़ोन आपका ओपन होगा वो ईमेल आईडी लगाएगा और एक रिकवरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देगा, 2 मिनट में आपकी सारी की सारी फ़ोटो वहाँ पर रिकवर हो जाएंगी। सो आपको सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। आपको अपने फ़ोन को 2-3 बार रीसेट करना है और उसमें अलग अलग वीडियो डालनी है और उसके बाद ही अपने फ़ोन को सेल करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन 80-90% सिक्योर हो जाएगा, आपका डाटा आपके फ़ोन में जो भी है। सो फिलहाल यही आपको बताना था इस वीडियोस में। यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें एंड उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए आप तक। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।